डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सही है, हम कौन होते हैं जो आपकी आंखों में आंख डाल सके। गरीब माँ का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया हुआ, आप तो नामदार हैं। नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं है, हम नहीं डाल सकते हैं, इतिहास गवाह है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह हैं, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चंद्रशेखर जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। प्रणब मुखर्जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया। इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया। मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूँ। आंख में आंख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मारकर निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में कोई अनजान नहीं है, हम तो कामदार हैं। भला हम नामदार की आंख में आंख कैसे डाल सकते हैं। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज इसे टीवी पर पूरा देश देख रहा है कि कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। यह आंखों का खेला माननीय अध्यक्ष महोदया आंख में आंख डाल करके सत्य को कुचला गया है, सत्य को बार बार कुचला गया है, बार बार रौंदा गया है। यहाँ कहा गया कि कांग्रेस ही थी, जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए। मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकार का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियम को जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था, आपको यह भी मालूम नहीं है। आज यहाँ यह भी कहा गया, मैं आपका विषय लेने वाला हूँ। जी, मैं आपकी बात लेने वाला हूँ, आपका विषय आएगा, जरा बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हर किसी का सम्मान करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। आज यहाँ यह भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन आपकी तरह सौदागर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं। ना हम सौदागर हैं, ना ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं। देश में 115 आकांक्षी जिले हैं, हम उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं, हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनतकश मजदूरों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं और भागीदार रहेंगे। उनके दुखों को बांटना यह हमारी भागीदारी और जिम्मेवारी है, हमें इसे हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम सौदागर नहीं हैं, हम चौकीदार भी हैं, भागीदार भी हैं। हमें इस बात पर गर्व है, कांग्रेस का एक ही मंत्र है, या तो हम रहेंगे, अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा। आप पूरा कालखंड देख लीजिए, वहाँ भी मुक्ताभोगी बैठे हुए हैं। सबके साथ क्या हुआ सभी को मालूम है, अफवाहें उड़ाई जाती है, फैलाया जाता है। अब अफवाह फैलाने के लिए देश में टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने वाला कानून खत्म कर दिया गया है, देश को हिंसा की आग में झोंकने का षड्यंत्र किया जाता है। अध्यक्ष महोदया जी, ये लोग दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों
और गरीबों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके राजनीति करते रहे हैं। कामगारों और किसानों की दुखों की चिंता किए बिना उनकी समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की बजाय चुनाव जीतने के शॉर्टकट रास्ता ढूंढने का प्रयास इस देश में हुआ है। उसी का कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका सशक्तिकरण से वंचित रह गया। बाबा साहेब अंबेडकर की भाषा और उनके पहनावे, उनकी राजनीति का मजाक उड़ाने वाले लोग आज बाबा साहेब को गीत गाने लगे हैं। महोदया, धारा 356 का बार बार दुरुपयोग करने वाले लोग हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता। समाप्त।